एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ ललिता। खबरों की शुरुआत करने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिव्यांग का ठेला हटाने को लेकर हंगामा, अज्ञात वाहन ने महिला को उड़ाया। मंगलवारी जोन में दो कोचिंग कक्षाओं पर जुर्माना। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार की दोपहर सदर स्थित अंजुमन कॉलेज के पास उस समय जमकर हंगामा खड़ा हो गया जब महानगर पालिका के प्रवर्तन विभाग का दस्ता फुटपाथ पर स्थित दिव्यांग का ठेला हटाने के लिए यहां पहुंचा। आलम यह था कि कार्यवाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि अचानक 100 से 150 लोगों का हुजूम जमा हो गया। इसके बाद कार्यवाही का जमकर विरोध हुआ। काफी देर तक समझाने के बावजूद नहीं मानने तथा स्थिति खराब होने का अंदेशा होते ही दस्ते ने सदर पुलिस से अतिरिक्त पुलिस बल मांग लिया। पीआई विनोद चौधरी के साथ पहुंचते अतिरिक्त बल को देखते हुए विरोध करने वालों के हौसले पस्त हो गए। इसके बाद दिव्यांग की ओर से स्वयं ठेला हटाने के लिए समय देने का अनुरोध किया गया। दस्ते ने उसे एक घंटे का समय देकर फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। विशेषतः दिव्यांग के नाम पर शहर के अनेक फुटपाथों पर इसी तरह से नीले रंग के ठेले लगाए गए हैं, जबकि इन्हें महानगर पालिका ने अनुमति नहीं दी है। अतः आदेशों के अनुसार महानगर पालिका की ओर से इस तरह की कार्यवाही की गई है। दूसरी खबर, हुडकेश्वर थाना अंतर्गत आउटर रिंग रोड पर अज्ञात वाहन चालक ने एक महिला को उड़ा दिया। मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। उम्र अंदाजन 40 से 45 साल बताई जा रही है। रात 9 बजे के दौरान महिला पांजरी टोल नाके के समीप रास्ता पार कर रही थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। जख्मी महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय रेस्टोरेंट संचालकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही हुडकेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची। तीसरी खबर, कोचिंग क्लासेस पर एनडीएस लगातार शिकंजा कस रहा है। बुधवार को मंगलवारी जोन में दो कोचिंग क्लासेस पर कार्रवाई की गई। दोनों कोचिंग क्लासेस के संचालकों से 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर तपस्य ट्यूशन अकादमी ट्यूशन क्लासेस दर्जी गली छावनी और इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस माउंट रोड सदर के संचालकों पर संक्रमक रोग प्रतिबंधक कानून अंतर्गत कार्रवाई की गई। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।